सम्मानित साथियों को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल चार्ल्सबी एजुकेशन एंड मोटिवेशन पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, नीलिप कार्यक्रम के तहत न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम सर्वेयर के कार्य को बहुत ही तेजी से गतिमान है। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम नीलिप के अंतर्गत हेड टीचर्स किसे और कैसे सर्वेयर बनाएं, वॉलंटियर टीचर और लर्नर कैसे खोजें, ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो पर बताई जाएगी, ताकि अधिकांश शिक्षकों के द्वारा यही कन्फ्यूजन है कि हेड टीचर की आईडी कौन बनाएगा और सर्वेयर की आईडी कौन बनाएगा, किस प्रकार से वॉलंटियर टीचर को सर्च किया जाएगा और लर्नर सर्वे कैसे होगा। ये संपूर्ण जानकारी यदि आप चाहते हैं इसी प्रकार की अपडेट्स आपको मिलती रहें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि ये वीडियो उपयोगी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथियों को शेयर कीजिएगा और आपका कन्फ्यूजन अभी दूर 2 मिनट में होगा। ध्यान से देखिएगा, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम नीलिप। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम केंद्र सरकार की एक पहल है, जिसे केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं बजट 2021-22 के अंतर्गत संचालित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम 2022 से 2027 तक कुल 5 वर्षों के लिए चलाया जा रहा है, जिसमें 5 करोड़ असाक्षर लोगों को कार्यक्रम से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। नीलिप फ्रेमवर्क है क्या? नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के असाक्षर लोगों का चिन्हीकरण करके वॉलंटियर टीचर के माध्यम से उन्हें साक्षर बनाने का लक्ष्य 2022 से 2027 तक निर्धारित किया गया है। असाक्षर और निरक्षर को हम लर्नर बनाएंगे, उन्हें लर्नर जो असाक्षर होंगे उन्हें लर्नर के रूप में, और स्वयं सेवक शिक्षक जो उस मोहल्ले गली में होंगे, पढ़े लिखे लोग होंगे, उन्हें हम वॉलंटियर टीचर यानी बीटी पर रजिस्ट्रेशन करेंगे। ये आप स्पष्ट हो लें कि लर्नर वो हैं जो 15+ वाय वर्ग के असाक्षर या निरक्षर हैं, महिला पुरुष हैं, और स्वयं सेवक शिक्षक वो हैं जो उस मोहल्ले में 10 निरक्षरों के बीच में एक साक्षर यदि है तो एक टीचर के रूप में वॉलंटियर टीचर निर्धारित होता है, तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन हम बीटी का करेंगे। इसके पश्चात लर्नर 15 या 15 वर्ष से अधिक आयु के वे नागरिक जिन्हें भाषा को समझ के साथ पढ़ना नहीं आता, जो अपने विचारों को लिखकर व्यक्त नहीं कर सकते, साथ ही गणित की संक्रियाओं का उपयोग अपने दैनिक जीवन में नहीं कर पाते, अर्थात सामान्य लेन देन का जोड़ घटाव भी वे नहीं कर पाते, ऐसे नागरिकों को हम असाक्षर के रूप में चिन्हित करेंगे। इसके पश्चात वॉलंटियर टीचर बीटी अर्थात स्वयं सेवक शिक्षक के रूप में हम सभी कक्षा 5 या उससे ऊपर के स्कूली छात्र को चिन्हित करेंगे, जो अपने ही परिवार या आसपास के असाक्षर लोगों को साक्षर बनाएंगे। इनके अतिरिक्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, स्काउट गाइड और एनसीसी स्वयंसेवक विद्यांजलि पोर्टल के माध्यम से परोपकारी स्वयंसेवक या स्वैच्छिक स्वयंसेवक की भी भागीदारी होगी। वॉलंटियर टीचर स्वयं शिक्षक को कोई भी मानदेय नहीं होगा। यह स्पष्ट हो लें कि जो भी उस मोहल्ले का वॉलंटियर टीचर नियुक्त किया जाएगा या रजिस्टर्ड किया जाएगा, उनका कोई भी अलग से मानदेय नहीं दिया जाएगा। अब हम कैसे यूजर आईडी बनाएं? डिस्ट्रिक्ट यूजर आईडी नीलिप पोर्टल के माध्यम से यूजर होगा, और ब्लॉक यूजर में भी नीलिप पोर्टल यानी वेबसाइट के माध्यम से होगा, और उसके पश्चात ब्लॉक यूजर आईडी से क्लस्टर बनेंगे जो नीलिप पोर्टल पे ही ओपन होगा, और इसके पश्चात नीलिप पोर्टल यानी क्लस्टर्स जो संकुल प्रभारी स्तर से होंगे उनके द्वारा हेड टीचर की यूजर आईडी बनेगी, और ये भी नीलिप पोर्टल के माध्यम से बनेगी, और यह असिस्टेंट टीचर की यूजर आईडी बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा, यह नीलिप ऐप यूपी का होगा जो आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। वो जानकारी हम आपको आगे बताएंगे, आप बने रहिएगा हमारे साथ कि किस प्रकार से आपको नीलिप ऐप पर रजिस्ट्रेशन सहायकों की करना है, सर्वेयर के रूप में करना है, और प्रधान अध्यापक के क्या कार्य होंगे, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत प्रधान अध्यापक को अपने विद्यालय के सहायक अध्यापक को नीलिप पोर्टल के माध्यम से BRC से प्राप्त यूजर आईडी एवं पासवर्ड का प्रयोग करते हुए सर्वेयर बनाना है।
यह सर्वेयर जो भी होंगे, सहायक अध्यापक अनुदेशक शिक्षा मित्र को जो बनाएंगे तो यह हेडमास्टर की आईडी से बनेगा और यह ऐप में जाकर के बनेगा। इस प्रकार से यह ऐप आप अपने मोबाइल में प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे, सर्च करेंगे नीलिप, और पहले सबसे पहले जो क्लस्टर्स बनेंगे तो यहाँ नीलिप पोर्टल पे जाएंगे, ये आपकी क्रोम या गूगल पे सर्च करेंगे NILIPPORTAL, यहाँ से वो अपनी आईडी हेडमास्टर्स की जनरेट करेंगे जो क्लस्टर्स होंगे या BRC से होंगे। इसके पश्चात नीलिप पोर्टल पे ये सर्च करने के बाद ये आता है बड़े अक्षरों में नीलिप पोर्टल, सबसे पहला सर्च पॉइंट दिया हुआ है, इसे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका ओपन हो जाएगा। ये आईडी आपकी हेडमास्टर की बनने के पश्चात अब सहायक की मोबाइल में नीलिप करके ये प्ले स्टोर्स में ये ऐप सर्च करेंगे और इस ऐप को मोबाइल पे इंस्टॉल कराएंगे सहायक अध्यापक के, और इंस्टॉल करने के बाद हेडमास्टर की आईडी जो यहाँ पर मोबाइल नंबर होगा तो हेडमास्टर की मोबाइल नंबर यहाँ पड़ेगा सहायक अध्यापक के मोबाइल में, और यहाँ पर उनका रजिस्ट्रेशन होगा और ये OTP जाएगी हेडमास्टर्स की मोबाइल पर। तो यहाँ पे लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के पश्चात ये आपको मैनेज यूजर में जाएंगे। मैनेज यूजर जब आप जो सहायक होंगे या शिक्षा मित्र होंगे, अनुदेशक साथी होंगे, या मैनेज यूजर में जाकर के उन्हें यूजर्स बनाएंगे। ऐड यूजर में जाकर के यहाँ पर पर्सनल आइडेंटिफिकेशन डालेंगे जो हेडमास्टर्स हैं, यहाँ पर उनका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेजिग्नेशन, इस प्रकार से उनका असाइन रोल क्या है ये यहाँ पर डालेंगे। डालने कर के पश्चात इस प्रकार से जब रजिस्ट्रेशन उनका हो जाएगा, उनका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड हो जाएगा, तो यहाँ पर नीलिप न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम एप्लीकेशन जो होगा उस पर जब ओपन करेंगे, लॉगिन करेंगे, अब सहायक अध्यापक अपने मोबाइल से रजिस्ट्रेशन लॉगिन करेंगे, उसके पश्चात ऐप को, तो यहाँ पर ये साथियों चार पॉइंट दिए गए हैं। पहला फॉर सर्वे, सेल्फ रजिस्ट्रेशन, लर्निंग, सर्टिफिकेशन। तो यहाँ पर आपको तीन पॉइंटों पे ध्यान नहीं देना है। पहला पॉइंट है फॉर सर्वे, इस पर आपको आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे किस प्रकार से आप वॉलंटियर बनाएंगे और लर्नर बनाएंगे, और किस प्रकार से आप अपनी आईडी हेडमास्टर की आईडी से रजिस्ट्रेशन सहायक और शिक्षा मित्र अनुदेशकों की करेंगे। और इस प्रकार से आपको फॉर सर्वे का जो भी वीडियो बनाऊंगा जल्द ही आपको उपलब्ध होगा, हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके आप देख सकेंगे। और नोटिफिकेशन को आप ऑन कर लीजिए ताकि सबसे पहले आपको वीडियो हमारा मिल सके। तो नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।